श्रावस्ती में राप्ती में आई बाढ़ की काली अंधेरी रात ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जनपद का रामनगरा गांव नाम का तो रामनगरा गांव है, लेकिन उसका अस्तित्व अब नहीं बचा। जिस गली में 5 अक्टूबर से पहले बच्चे खेलते थे, लोगों के घरों में खुशी और गम का माहौल रहता था, आज उस गांव का नाम और निशान मिट चुका है। जिस गांव में 60 से 70 घर थे, उस गांव में आज पानी की कलकल करती आवाजें ही आ रही हैं और चारों तरफ राप्ती का पहरा है। तस्वीरें दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं श्रावस्ती के जनपद के थाना सुनवा के रामनगरा गांव। यहां पर 5 अक्टूबर से पहले 60 से 70 मकानों का एक गांव था, जो आज सिर्फ कागजों में रह गया। पूरा का पूरा गांव एक ही रात में राप्ती की आगोश में समा गया। जब सुबह हुई तो ना रामनगरा गांव था, सिर्फ राप्ती की कलकल करती आवाजें आ रही थी। किसी सूरत में वहां के लोगों ने रातों रात भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन यहां के लोगों के पास केवल सर ढकने के लिए कपड़ा ही बचा है और इस भीषण बाढ़ से उनका जीवन बदहाल हो गया है। यहां के लोगों के पास आंसुओं के अलावा और कुछ अब बाकी नहीं रहा। जब श्रावस्ती पोस्ट ने खुद एक लंबा सफर तय करने के बाद रामनगरा गांव पहुंचकर हालत जानी तो रामनगरा गांव उजड़ चुका था, एक वीरान टापू बन चुका था। सारे मकान राप्ती में समा चुके थे। मकान के साथ साथ जिंदगी भर मेहनत कमाई कर रही गृहस्थी राप्ती की धारा में बह चुकी थी। लोगों ने अपने दुख की कहानी सुनाई। राप्ती नदी में आई बाढ़ ने आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त तो कर ही दिया है। बाढ़ के समय जिला प्रशासन के द्वारा कई आंकड़े प्रस्तुत किए गए, लेकिन आंकड़ों में उस गांव का नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है जो श्रावस्ती के नक्शे से ही गायब हो चुका है। ऐसा ही एक गांव रामनगरा है, जो राप्ती के मुहाने पर बाढ़ के पहले दिन से ही था। इस गांव में 6 अक्टूबर से ही लगातार कटान शुरू हो गई थी। गांव के लोग प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन इस भयावह स्थिति में भी नदी के दूसरी ओर खड़ा मजबूरी से गांव को कटता देख रहा था। स्थिति यह थी कि यह गांव धीरे धीरे करके श्रावस्ती के नक्शे से ही विलुप्त हो गया। ऐसे ही असरफा गांव तक 70% कट चुका है। कटान की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को आशंका है कि 24 घंटे के अंदर यह गांव भी जिले के नक्शे से गायब हो ही जाएगा। जोगिया, मध्यनगर, दोंदरा, मुझेना सहित कई अन्य गाँव में राप्ती की कटान तेज है, जिसके चलते ग्रामीण भयभीत हैं और उन्हें आशंका है कि जल्द ही गांव का जिले के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए श्रावस्ती को। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आज से 7 दिन पहले ये गांव आबाद था जी। कितने मकान थे? ये पूरा गाँव था साहब। हाँ, आज क्या है? आबाद तो साहब मैदान है। कितने घर कटे होंगे लगभग? घर तो साहब पूरा गांव, यदि ये जानते हैं कि खुद जानते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान साहब तो बहुत हुआ है नुकसान। अब कितना बता दिया जाए कि कितना नुकसान हुआ है? कोई कुछ बताए कि तो झोरा लेकर नहीं भाग पाए। जो भागबो का मैंने तो चौमंडला पानी साहब अपना अपना भरा था। मैंने द्वारे पहन कर स्टीमर आवा करता था, बाद ऐसे निकल कर गए हैं साहब। साहब बहुत समृद्धशाली रहा है और गाँव में यहाँ पैदावारी भी बढ़िया होत रहा है। आदमी यहाँ से बहुत परेशान हो गए, जो साइड भरे आदमी निकल पाए कहूँ से। जब स्टीमर आवा है तब निकले हैं ले ने, तो जान खतरे में रहा है। सब बही जाती सब गुरु पस तो अपने वैसे चले गए सब, लेकिन मने भी न बचती आपको। तो स्टीमर जब आवा है। कितने मकान राप्ती में चले गए होंगे? कम से कम 70 घर, 65-70 घर। अच्छा, कोई सहायता? अरे सहायता कोनो ना मिला कहूँ, एक दिन दो दिन पूरी वही मिलेगा। कोई आए थे अधिकारी? अब अधिकारी यहाँ तक साहब गाड़ी नहीं निकल पा रही, कोई नहीं आवा। मकान थे यहाँ? यहाँ 60-70 में है। 60-70 से कम नहीं था। अच्छा, आज से 10 दिन पहले ये चहकता था गांव। हाँ, पूरा गांव था। हाँ, आज क्या है? आज काटा थी सब। कुछ बचा है यहाँ? अब घर नहीं बचे हैं। अच्छा, तो लगभग सब जगह नुकसान हो गया होगा? पूरा नुकसान हो गया। नरेना फिर यही दशा है। यही दशा है नरेना पर कटान है। यही सब कितने मकान है वहाँ? वहाँ हुई है करीब 150 आता है। वो भी खतरे के निशान पे? हाँ, खतरे के निशान है। बिल्कुल काम दे बाघ काट नहीं क्या बाहर से लाभ आओ से घर कट रहा है तो इसके लिए तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आप तोड़ रहे हैं? अच्छा, कितने दिन से नदी कटान कर रही है? नदी तो
पहले इधर घर था वो पहले दो साल पहले कटा, इधर मान लो तीन दिन से कटान कर रही। अच्छा, कितने मकान अब तक जो है समाप्त हो चुके होंगे नदी में? टोटल वो सब मिला के मिनिमम 8-10 मकान तो जा चुके हैं। आज के अशरफ नगर ये बताइए, आज आप अपना मकान तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? राप्ती काट रही है। अच्छा, राप्ती काट रही है। अच्छा, कितने मकान आपकी कटे हैं? अब तीन मकान, तीन कटे, तीन मकान अब की बार कटे हैं। और इससे पहले कितने मकान कट चुके हैं? पहले तो एक फोर कट गए, करीबन 10-12। अच्छा,